भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा के साथ क्या हुआ? आखिर किसके साथ शादी हुई थी इनकी? और कितनों के साथ राधा के पति होने के नाम के दावे किए जाते हैं? दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक मिल नहीं पाया है, और वजह है हर विद्वान का इस सवाल पर अलग जवाब देना, वो भी किसी आधार के साथ। राधा के पति का नाम किसी के अनुसार अभिमन्यु है तो किसी के अनुसार रायण। कोई कहता है कि राधा के पति भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, तो कोई कहता है कि राधा के पति चंद्रसेन थे। तो आइए आपको बताते हैं कि किस नाम का किस ग्रंथ या पुराण में जिक्र है। इसके बाद आप खुद ही ये फैसला कर लेंगे कि राधा के पति आखिर थे कौन। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण और राधा के विवाह के कहानी का उल्लेख मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में लिखा गया है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, और इनका विवाह खुद भगवान ब्रह्मा ने करवाया था। आपको जानकारी दे दें कि गर्ग संहिता के रचयिता गर्ग ऋषि थे। गर्ग ऋषि यदुवंशियों के कुल गुरु थे। उन्होंने ही कृष्ण और बलराम का नामकरण किया था। गर्ग संहिता में कृष्ण और राधा की लीलाओं का विस्तार से उल्लेख मिलता है। वहीं गर्ग संहिता में ये भी लिखा हुआ है कि एक बार जब नंदराय जी श्री कृष्ण को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाने लेकर जा रहे थे, तब अचानक बहुत तेज तूफान आया। ये तूफान कोई और नहीं बल्कि राधा रानी थे। जी हाँ, इस तूफान के पीछे राधा रानी जी छिपी हुई थी। गर्ग संहिता के आगे की कहानी के अनुसार राधा रानी भगवान ब्रह्मा के साथ श्री कृष्ण से विवाह करने आई थी। उस वक्त श्री कृष्ण बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपना बाल स्वरूप त्याग कर किशोर स्वरूप ले लिया था और राधा से विवाह किया था। राधा और कृष्ण का विवाह भगवान ब्रह्मा ने भांडीर नाम के जंगल में करवाया। वहीं अब दूसरी कहानी का जिक्र करते हैं और बताते हैं वो दूसरा नाम जो राधा के पति के तौर पर लिया जाता है, ये नाम है अभिमन्यु। यूपी के नंदगांव के करीब 2 मील दूर जाटव नाम का गांव स्थित है। वहां के लोग आज भी यह दावा करते हैं कि उन्हीं के गांव में अभिमन्यु से राधा का विवाह हुआ था। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में कभी जाटिला नाम की गोपी रहा करती थी। अभिमन्यु उन्हीं के पुत्र थे। राधा और अभिमन्यु का विवाह राधा के पिता वृषभानु ने करवाया था। कहते हैं कि अभिमन्यु और राधा का विवाह तो हुआ, लेकिन अभिमन्यु कभी राधा की परछाई को भी छू नहीं पाए थे। मान्यता के अनुसार अभिमन्यु दिन भर के कामों में व्यस्त रहा करते थे, और राधा भी घर के कामों में तंगी रहती थी। और साथ ही अभिमन्यु को लेकर यह भी कहा जाता है कि राधा के समीप जाना तो क्या, अभिमन्यु कभी राधा से बात तक नहीं करते थे। उन्हें राधा से बात करने में इतनी हिचक, इतनी शर्म आती थी। आपको बता दें कि राधा और अभिमन्यु की कहानी पर संदेह इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आज भी जाटव गांव में जाटिला की हवेली और अभिमन्यु और जाटिला का मंदिर मौजूद है। जाटव गांव के स्थानीय लोग उसी हवेली और मंदिर को साक्षी मानते हैं। अभिमन्यु और उनकी माँ जाटिला के होने का, यानी कि दूसरा नाम जो राधा के पति के तौर पर पढ़ लिया जाता है, वो है अभिमन्यु। अब बात करते हैं तीसरे नाम की। तीसरा नाम जो राधा के पति के तौर पर लिया जाता है, वो है रापण या रायण। जी हाँ, रापण या रायण नामक एक व्यक्ति थे। कहते हैं कि ये यशोदा के भाई थे और राधा का विवाह इन्हीं के साथ हुआ था। अपने विवाह के पश्चात राधा कृष्ण की मामी बन गई थी, और इस बात का उल्लेख ब्रह्म वेवर्त पुराण में मिलता है। आपको बता दें कि ब्रह्म वेवर्त पुराण कृष्ण के जीवन पर समर्पित है।
इस पुराण को सबसे प्राचीन पुराणों में से एक बताया जाता है। इस पुराण के अनुसार कृष्ण ही इस ब्रह्मांड को चलाने वाली अलौकिक शक्ति हैं। वहीं से पुराण ये भी कहती हैं कि राधा के पति रायण थे, जो कि यशोदा के भाई और कान्हा के कोप में से एक थे, यानी कि गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण थे। टाटव गांव में मौजूद साक्षियों के अनुसार राधा के पति अभिमन्यु थे और ब्रह्म विवत पुराण के अनुसार राधा के पति का नाम रापण था। इन नामों के अलावा और दो नाम राधा के पति के तौर पर लिया जाता है और वो हैं चंद्रसेन और अन्वय। हालांकि आपको ये पता ही होगा कि राधा साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप थी और भगवान श्री कृष्ण विष्णु का स्वरूप। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धरती पर राधा के रूप में जन्म लेने से पहले ये साफ साफ कह दिया था कि मैं आपके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूंगी, और ये बात पद्म पुराण में लिखी गई है। यानी कि पद्म पुराण भी यही कहती है कि राधा के पति श्री कृष्ण ही थे। ऐसे में ये सब दावे अपने आप में एक रहस्य बन चुके हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई भी सुलझा नहीं सकता, जिसका जवाब स्वयं प्रभु श्री कृष्ण या फिर स्वयं राधा रानी के पास ही है। हमने अपनी इस रिपोर्ट में तमाम नाम बताए जो राधा के पति के रूप में लिए जाते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन सी कहानी या कौन सा पुराण पर विश्वास करना है। आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।